बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी लर्न अबाउट न्यूट्रिशन एंड बैलेंस एंड स्क्रीनिंग। लास्ट हमने आपके लेक्चर में पढ़ा था न्यूट्रिशन केयर के बारे में और थेरेप्यूटिक डाइटेटिक्स के बारे में। तो न्यूट्रिशन केयर के बारे में अगर हम देखा जाए, तो अगर हम बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप चलें, तो उसमें ये आता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका कि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है आपके न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रीनिंग करते होते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं ओवरऑल ग्रुप्स की, कम्युनिटी की, इंडिविजुअल्स की करते हैं, ताकि हमें फौरन क्विकली पता चल जाए कि ये इंडिविजुअल आपका जो है उसमें मेल न्यूट्रिशन है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद उस स्क्रीनिंग के बेस पे उसकी न्यूट्रिशनल, अगर तो वो इम्बैलेंस हो, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो उसमें, तो फिर उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट की जाती है। तो ये इस तरीके से आपका ये जो सब है, ये आपका न्यूट्रिशन केयर का प्रोसेस है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में फिर आपकी आ जाती है एंथ्रोपोमेट्री, आपकी आ जाती है क्लिनिकल इवेल्यूएशंस, बायोकेमिकल इवेल्यूएशंस, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका इन शॉर्ट न्यूट्रिशन केयर से रिलेटेड है। तो हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। तो हमारे लिए क्या है कि हमें चाहिए कि हम एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस अचीव करें। ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है? इट्स अ बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशनल इनटेक एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। न्यूट्रिशनल इनटेक में आपकी आती हैं फूड इनटेक और फूड एब्जॉर्प्शन। फूड इनटेक कैसे कि आपकी कितनी आपकी फूड इनटेक है, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, किस टाइप का फूड खा रहे हैं, कल्चरल प्रेफरेंस क्या है, किस टाइप का फूड खा रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में आता है कि आपका कितना ही फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसी है आपकी, सर्दियों में गर्मियों में एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी हाई है, कम है, कोई ना कोई डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, ये सब आपकी न्यूट्रिशनल इनटेक से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद आपका आता है न्यूट्रिशनल आउटपुट। ठीक है, न्यूट्रिशनल आउटपुट ये है कि या आप इसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कह लें, ये है कि आपने कितनी आपकी जो फूड इनटेक है वो यूज़ होती है। ठीक है, अगर कोई बीमारी वगैरह हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, ग्रोथ में आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बीमारी वगैरह में एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, और उसके अलावा बाकी एनर्जी आपकी बॉडी मेंटेनेंस और वेलबींग वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये मिल के आपका ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है। तो न्यूट्रिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हमने मेजर कॉजेज ऑफ डेथ को मैनेज करना होता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाइपरटेंशन, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीजेज, ये भी आपके जो हैं ज़्यादा फैट खाने से होते हैं, डायबिटीज़, कैंसर, ओबेसिटी, एनीमिया, ऑस्टोपोरोसिस। ठीक है, ये सब के सब जो हैं इनका, ये सारे की सारी जो आपके डिजीज़ हैं, इनका मेजर कॉज जो है आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर आपकी ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस हो बॉडी का में, तो ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आपके लिए जो है डाइट्री इनटेक में मॉडिफिकेशंस करना ज़रूरी होता है, और इसके अलावा आपकी आपके लिए ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करना ज़रूरी होता है, बैलेंस अचीव करना ज़रूरी होता है। अंडर न्यूट्रिशन ये होती है जिसमें आपके न्यूट्रिएंट इनटेक आपकी कम होती है, न्यूट्रिशनल रिजर्व्स आपके डिप्लीटेड होते हैं। ठीक है, दीज आर इनएडिक्वेट टू मीट द बॉडीज डेली मेटाबॉलिक नीड्स एंड इट इज़ ए स्टेट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। इससे क्या होता है, ये आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी आ सकती है, इनएडिक्वेट इंजेशन ऑफ फूड, मतलब आप कम खा रहे हैं, इम्पेयर्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, या किसी बीमारी की वजह से आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही फूड में, कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग में डिसफंक्शन है, कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, या फिर आपकी एक्सक्रीशन ज़्यादा है। ठीक है, कि आप इनटेक आपकी कम है लेकिन आउटपुट आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आपकी इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट फीमेल, लो इनकम इंडिविजुअल्स, हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन्स, ओल्डर इंडिविजुअल्स, इन सब को ज़्यादा ग्रेटर रिस्क होता है अंडर नॉरिश होने का। ठीक है, अंडर नॉरिशमेंट का मतलब है कम न्यूट्रिएंट्स मिलना। तो इससे होता क्या है, इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है,
पुअर रेजिस्टेंस और लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, मतलब आप जल्दी बीमार हो जाते हैं, पुअर वुंड हीलिंग, पुअर क्लिनिकल आउटकम फ्रॉम डिजीज, मतलब डिजीज़ हो और डिजीज़ होने के बाद आप प्रॉपरली कभी भी इस सही तरीके से सेहतमंद नहीं हो पाते, ठीक है, और इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, ये सब आपका जो है अंडर न्यूट्रिशन से होता है। अब यहाँ पे देखें, ये आपकी जो है एक फिगर है जिससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। अगर आपकी इनएडिक्वेट इनटेक हो, इम्पेयर्ड अब्सॉर्प्शन हो या ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉसेस हो, तो उससे क्या होता है, बॉडी का टिश्यू लेवल डिप्लीशन हो जाती है, बॉडी का जो न्यूट्रिएंट स्टोर है वो डिप्लीट हो जाता है। उससे क्या होता है, प्रॉपरली बॉडी वर्क नहीं कर पाती, बायोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। उससे क्या होता है, फिजियोलॉजिक डिसफंक्शन होता है, मतलब हमारी ऑर्गन्स वगैरह हमारी प्रॉपरली पूरी की पूरी। बायोलॉजिकल डिसफंक्शन क्या है कि आपकी सेलुलर लेवल पे डिसफंक्शन होता है, सेलुलर लेवल से आपके टिश्यू लेवल पे फंक्शन आता है, फिर आपके सेलुलर डिसफंक्शन आता है, फिर आपकी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स में फ़र्क आता है, और उसके बाद मॉर्बिडिटी बीमारी होती है, और उसके बाद मॉर्टेलिटी आपकी डेथ होती है। आप यहाँ से देखें, न्यूट्रिशनल इंटेक कम हुई तो आपकी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस आया, मतलब बॉडी के स्टोर्स डिप्लीट हुए, आपके सेलुलर लेवल, आपकी केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आपकी ऑर्गन लेवल पे, ठीक है, सारी की सारी आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। उससे क्या होता है कि क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब नॉजिया, हेडेक, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। उससे क्या होता है कि बीमारी, कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है, जैसे मेरास्मस, क्वाशियोरकोर, ठीक है, और अगर वो बीमारी ट्रीट ना हो तो आपको डेथ के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपके वाइटल स्टैटिस्टिक्स आते हैं, मतलब वाइटल चीज़ें जैसे हार्ट रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, पल्स रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। आगे आए ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आपकी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा होता है एनर्जी आप ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है, तो एनर्जी कंटेनिंग फूड्स आप ज़्यादा खाते हैं, एनर्जी ज़्यादा लेते हैं, या फिर जितनी आपने इंटेक ली होती है उतनी आपकी आउटपुट नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। उससे क्या होता है, ओबेसिटी और ओबेसिटी से रिलेटेड डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दीज कंडीशंस में ऑल्सो रिजल्ट इन पुअर क्लिनिकल आउटकम्स विद इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। अंडर न्यूट्रिशन से भी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी होती है, और ओवर न्यूट्रिशन से भी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी होती है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीजेस, लिटरली इट ट्रांसलेट्स टू डिजीजेस, कि आपकी डिजीजेस, आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाना, उसको मॉर्बिडिटी कहते हैं। मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो जाना, मॉर्बिडिटी कम हो जाना। मॉर्टेलिटी का मतलब है डेथ रेट हो जाना, आपके जो है इंक्रीज चांस ऑफ के अर्लियर एज डेथ, के जल्दी आपकी डेथ आ जाए, ठीक है, डिजीजेज की वजह से। तो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी मीनिंग डिजीजेज, मॉर्टेलिटी मीनिंग डेथ रेट। उसके बाद ओबेसिटी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एंड प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स सच एज सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो ओबेसिटी से, असल में ओबेसिटी इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं वो सी रिएक्टिव प्रोटीन और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं। इनकी ये इन्फ्लेमेशन की वजह से काफ़ी सारी, ये जो ऊपर मैंने आपसे बीमारियाँ बताई हैं, ये बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इसका दे रिजल्ट इन को मॉर्बिडिटीज, को मॉर्बिडिटीज, मॉर्बिडिटीज का मतलब है को मॉर्बिडिटीज का मतलब होता है एक से ज़्यादा बीमारियाँ इकट्ठे हो जाना, ठीक है, सच एज कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। इवेल्यूएशन फॉर न्यूट्रिएंट डिफिशेंसीज, तो अब आपका क्या आता है, आपने चेक करना होता है कि आपका लेवल ऑप्टिमम है कि नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस आपका ऑप्टिमल है, बॉडी हेल्दी है कि नहीं है, कोई मसला तो नहीं आ रहा है, कोई बीमारी तो नहीं हो रही, मेल नरिश्ड तो नहीं है आप, तो उस सब के लिए जो है आपको इवेल्यूएशन करनी होती है, ठीक है। इवेल्यूएशन आप कैसे करते हैं, आप डाइट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, वेट, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबॉरेटरी इवेल्यूएशन, मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक इवेल्यूएशन, लेबॉरेटरी इवेल्यूएशन, मेडिकल हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री, ठीक है, ये सब आप लेते हैं।
और इन सब का से इन्फॉर्मेशन लेके आप चेक करते हैं कि बॉडी का हेल्थ स्टेटस लेवल क्या है। ठीक है, तो हम अब ज़रा इसको देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने से पहले हम न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग करते हैं। न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग और न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट्स हैं न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस के। ठीक है, इन्हीं से आपकी न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग के फोर फेजेज हैं। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस एंड मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी सच एज डाइटरी चेंज, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, एजुकेशन, काउंसलिंग, रेफरल्स एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। तो आपका जो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस है ना, एक्चुअली उसके फोर फेजेज हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन स्टेटस असेस करना, फिर आइडेंटिफाई करना कि डायग्नोसिस क्या है, क्या बीमारी है उस इंडिविजुअल में। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस इंडिविजुअल में क्या क्या बीमारी है, फिर आप मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी देते हैं। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होता है दवाइयाँ और मेडिसन्स दोनों इकट्ठे मिला के एक प्लान बनाना पेशेंट के लिए। ठीक है, जैसे जिसमें डिफरेंट मील प्लान्स होते हैं, डाइटरी चेंज होता है, उसकी डाइट चेंज की जाती है, उसको सप्लीमेंट्स दी जाते हैं, उसको एजुकेशन और काउंसलिंग दी जाती है कि कैसे उसने खाना खाना है, कैसे उसने लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है, क्या डाइटरी हैबिट्स होने चाहिए, और रेफरेंस जैसे आप डिफरेंट आप डॉक्टर्स को रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि आपकी कितनी इफेक्टिवनेस है इसमें। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया हुआ है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस लास्ट लेक्चर में। तो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस में जो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस, उसमें सबसे पहले आपका आता है स्क्रीनिंग और फिर आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो हम ज़रा स्क्रीनिंग को देख लेते हैं। नॉर्मली हर किसी को पीरियोडिकली न्यूट्रिशनल स्टेटस अपना स्क्रीन करवाना चाहिए पूरे लाइफ स्टाइल में। सिर्फ ये नहीं कि आप इलनेस में अपने न्यूट्रिशन स्टेटस की स्क्रीनिंग करवाते हैं, आपको हमेशा आइडियली आपको कुछ साल बाद जाके अपनी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, आपको खुद चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि आप में कहीं रिस्क तो नहीं है बीमारी होने का। ठीक है, पर्पज़ इसका क्या है? द पर्पज़ इज़ टू क्विकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु आर मेल नॉरिश्ड और एट न्यूट्रिशनल रिस्क एंड डिटरमाइन वेदर अ मोर डिटेल्ड असेसमेंट इज़ वॉरेंटेड। तो इसमें क्विकली आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इसका मतलब न्यूट्रिशन स्क्रीन का मतलब ही ये है कि इस तरह से ये होता है कि बर्डन कम हो जाता है। आप स्क्रीनिंग के ज़रिए से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से इंडिविजुअल्स हेल्थी हैं उनको आप निकाल देते हैं, और कौन से इंडिविजुअल्स बीमार हैं और किस तरह की बीमारी है उनको, उनके फिर आप फर्दर न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। और ये न्यूट्रिशन स्क्रीन यूज़ होती है बाय डायटेटिक टेक्नीशियन, नर्स, फिजिशियन और बाकी सारे क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के। वो लोग इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और फिर उनको जल्दी पता चल जाता है इंडिविजुअल उनके पास पेशेंट जो है वो सिक है या उसके अंदर रिस्क है बीमारी का कि नहीं। अच्छा, अब स्क्रीनिंग टूल आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, ईजी टू कम्प्लीट हो, इंक्लूसिव ऑफ रूटीन डाटा रेडिली अवेलेबल, कि आपकी जो है जो भी डाटा है ना वो अचीव करना मुश्किल ना हो। ये ना हो कि स्क्रीनिंग में आप लेबॉरेटरी डाटा डाल दें, ठीक है, और फिर आप वेट करें, टेस्ट करवाएं, तो वो इट्स वेरी टाइम टेकिंग और उसके ऊपर इकोनॉमी भी लगती है और सब कुछ। तो न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग एक सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए जिससे क्विकली पता चल जाए कि हमने एक रफ सा स्केच बनाना होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इंडिविजुअल को हमें फर्दर असेस करना चाहिए कि नहीं। इसलिए वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग इंक्लूड पेशेंट हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, करंट न्यूट्रिशन सपोर्ट, स्किन ब्रेकडाउन, पुअर इनटेक एंड क्रॉनिक यूज़ ऑफ मॉडिफाइड डाइट्स। ठीक है, तो इस तरह की स्क्रीनिंग आप में आप इस तरह की चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि उसका करंट, उसने कोई वेट लॉस या वेट गेन तो नहीं किया, ठीक है, क्या न्यूट्रिशन सपोर्ट अगर उसने कोई लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ महीने पहले वो हॉस्पिटल में था, ठीक है, तो उस हॉस्पिटल के हिसाब से हॉस्पिटलाइज डाइट ली उसने, ठीक है, उसकी इनटेक कैसी है, पुअर है या सही है, मॉडिफाइड डाइट्स कितनी देर के लिए यूज़ करता रहा है वो, जैसे लो फैट डाइट, लो सॉल्ट डाइट, लो शुगर डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें बेसिक बेसिक चीज़ें पूछते हैं। अच्छा, इसमें आपकी फिर
आपकी जो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग होती है वो डिपेंड कर रही होती है ये सारी चीज़ों पे कि द सेटिंग इन विच द इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेंड, जैसे होम है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, ठीक है, ये आपने भी देखना होता है, ठीक है, कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है या घर में रह रहा है या कोई ओल्ड केयर सेंटर है, ठीक है, लाइफ साइकिल और डिजीज़, बच्चा है, बूढ़ा है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमेन है या ग्रोइंग एडल्ट है, या कोई डिजीज़ तो नहीं है, और अगर डिजीज़ है तो कौन सी स्टेज पे डिजीज़ है, अवेलेबल डाटा, जितना भी पुराना अवेलेबल डाटा है, जितनी भी हिस्ट्रीज हैं, जितना भी वो सब कुछ है, वो सब कुछ, आ डेफिनेशन ऑफ रिस्क प्रायोरिटीज़, खुद ही से आपने रिस्क एवेलुएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ओल्ड केयर सेंटर्स में हैं तो आपकी स्क्रीनिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है, आपने उसमें चेक करना होगा कि दांत कैसे हैं उस इंडिविजुअल के, खा पाता है कि नहीं खा पाता है, पिछली पुरानी बीमारियाँ कौन सी हो चुकी हुई हैं उसको, चल पाता है कि हैंडीकैप है, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद द गोल्स ऑफ द स्क्रीनिंग प्रोसेस, कि आप स्क्रीन क्यों कर रहे हैं, क्या आप स्क्रीन कर रहे हैं कि आप देखना चाहते हैं कि इन ग्रोइंग बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, या आप ये स्क्रीन करना चाहते हैं कि मिडिल एज्ड एडल्ट्स में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का कितना ख़तरा है, या आप ये देखना चाहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन में या नॉर्मल एडल्ट वुमेन में मेल न्यूट्रिशन का ख़तरा है कि नहीं, गोल क्या है, आप क्यों स्क्रीन कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ आपकी जहन में होनी चाहिए। एट द एंड आपका टूल किस तरह का हो, आपका जो भी स्क्रीनिंग टूल हो वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, और वैलिड होना चाहिए, तभी आपकी जो है स्क्रीनिंग प्रॉपर हो सकती है, ठीक है, तभी आप उसको बेस बना के अगली न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो ये एक न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग फॉर्म है, ठीक है, इसमें आप देखें एडमिशन डेट, ये अगर हॉस्पिटल का है, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू, ठीक है, आपने देखा कि उसको डायग्नोसिस क्या है, एज, हाइट, वेट क्या है, ठीक है, BMW क्या है उसका, एल्ब्यूमिन लेवल, बाकी लैब रिपोर्ट्स क्या हैं, एपिटाइट कितनी है, मेडिकेशंस कौन सी उसको दी गई हुई हैं, ठीक है, और डाइट जो है वो क्या है उसकी, इवेल्यूएशन क्राइटेरिया कि पिछले 2 दिनों में एपिटाइट का लॉस हुआ कि नहीं, ठीक है, डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही च्यू करने में, स्वेलो करने में, कोई फूड एलर्जी तो नहीं स्टार्ट हो गई, मेल नॉरिशमेंट पेरेंट्स तो नहीं है उस इंडिविजुअल की, ठीक है, ग्रेटर देन 65 ईयर्स ऑफ एज विद अ सर्जरी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ये असल में हॉस्पिटल का प्लान है, ठीक है, तो ये आपकी एक स्क्रीनिंग टूल है जिसे हमें पता चल जाता है कि किस बीमारी के लिए एडमिशन हुआ था, और इवेल्यूशन क्राइटेरिया ये है कि कई अक्सर होता है ना कि हॉस्पिटल में कई लोग होते हैं जो पेशेंट्स होते हैं उनकी उनको मेल नरिशमेंट स्टार्ट हो जाती है, उनको मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, क्यों, कई बार ऐसा होता है कि बीमारी की वजह से खाना नहीं खाते वो, या मेडिसिन की वजह से नहीं खाते, या अक्सर होता है कि उनको कोई कोई ट्यूब लगाई हुई होती है तो वो उसकी वजह से उनको खाना खाना अलाउड नहीं होता, या कई बार सर्जरी हुई होती है तो सर्जरी के बाद फ़ौरन से सॉलिड फूड नहीं खा सकते, और लिक्विड फूड में इतनी रिस्ट्रिक्टिवनेस होती है कि पेशेंट का कभी दिल नहीं करता या उसको अवेलेबल नहीं होता, तो ये एक्चुअली मीन्स न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग है कि आपका एडमिटेड जो पेशेंट है उसको बीमारी तो नहीं हो गई, ये आपकी एक एग्जांपल है जो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसके अलावा एक और टूल है उसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, उसको इसको मस्ट कहते हैं, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये एक नाम बताएं, देखें मेल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, ये एक ऐसा टूल है जो नॉर्मली आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू असेस मेल न्यूट्रिशन इन हॉस्पिटल इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स रैपिडली एंड वेरी इजीली। तो ये नॉर्मली जो मस्ट टूल है ये हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए, वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में रह रहे हैं और वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं उन की चेक करने के लिए कहीं उन मेल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रही, तो ये है जो टूल है बड़ी इजीली और बड़ी रैपिडली असेस कर लेता है कि मेल न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गई कि नहीं। मस्ट इज़ डिज़ाइंड सॉरी टू बी यूज बाय मल्टीपल डिसिप्लिनस रेदर देन बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स। तो ये इस तरीके से डिफाइन हुआ हुआ है और इस तरीके से बनाया गया है कि इसको आपके रजिस्टर्ड डाइटिशियंस के अलावा नर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिजिशियंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके थेरेपिस्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाया गया हुआ है और आसान है कि इसको काफ़ी सारे डिसिप्लिन के प्रोफेशनल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 इंडिपेंडेंट क्राइटेरियाज़ हैं,
पहला क्राइटेरिया ये है कि आपने चेक करना होता है उसका करंट बॉडी वेट कितना है, और वो आप कैसे चेक करेंगे, थ्रू BMI। BMI के ज़रिए से आप उसका करंट वेट निकालते हैं। फिर आपने चेक करना होता है कहीं पिछले कुछ महीनों में आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस तो नहीं हुआ, मतलब खुद ही से आपने कोशिश भी ना की हो लेकिन खुद ही से वेट लॉस हो गया हो, ठीक है, तो वो आप चेक करते हैं। और उसके बाद आप चेक करते हैं कि जो भी वो डिजीज़ था उसका आपकी न्यूट्रिशन, उस पेशेंट की न्यूट्रिशन इंटेक पे कितना इफेक्ट आया है, और वो 5 दिनों के अंदर अंदर, 5 दिनों के टाइम लिमिट के अंदर चेक करते हैं। ये तीनों चीज़ें मिला के इनको आप स्कोर्स दे देते हैं, हर किसी का एक एक स्कोर होता है, और उन स्कोर्स को मिला के आप 3 कैटेगरीज उसके आ जाती हैं। अगर स्कोर हो 0, आंसर 0 आए इन तीनों के स्कोर्स को मिला के, तो इसका मतलब होता है उस इंडिविजुअल में मेल न्यूट्रिशन वाले रिस्क 0 है, मतलब बहुत कम है। अगर 1 हो तो मीडियम रिस्क है, अगर 2 या 2 से अबव हो तो वो हाई रिस्क होता है, और तब आप उसके ऊपर न्यूट्रिशनल असेसमेंट या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और फिर आप जो है उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। ये देखें, दिस फिगर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। BMI रेशियोज़ आपको पता है, हायर देन 20 होगी तो हम उसको 0 देंगे, 18.5 to 20 होगी हम उसको 1 देंगे, और लेस देन 18.5 होगी तो हम उसको 2 देंगे, ठीक है। 0 मतलब लो रिस्क, 18.5 से 1 मीडियम रिस्क, और लेस देन 18.5 तो वो आपको पता है कि अंडर वेट होता है तो वो हाई रिस्क होगा। अगर अनप्लान्ड वेट लॉस है पिछले 3 से 6 महीनों के अंदर, ठीक है, अगर 3 से 6 महीनों के अंदर 5% वेट लॉस हुआ है या 5% से ज़्यादा अगर वेट लॉस हुआ है तो हम उसको 0 देते हैं, सॉरी लेस देन अगर 5% है तो हम उसको 0 देते हैं, अगर 5% से लेकर 10% तक वेट लॉस हुआ है तो हम उसको 1 देते हैं, अगर ग्रेटर देन 10% वेट लॉस हुआ है तो हम उसको 2 देंगे। फिर हम एक्यूट डिजीज इफेक्ट स्कोर देखेंगे, एड अ स्कोर ऑफ 2 इफ देयर हैज़ बीन और इज लाइकली टू बी नो न्यूट्रिशनल इंटेक फॉर ग्रेटर देन 5 डेज। तो वो आपने ये देखना है कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसने 5 दिन से हो गए हैं और 5 दिन से ज़्यादा खाना नहीं खाया, ठीक है, या प्रॉपर उसकी डाइट नहीं है, या प्रॉपर जितनी प्रिस्क्राइब्ड डाइट है वो नहीं है, ठीक है, तो तब आप उसको 2 का स्कोर दे देंगे, ठीक है। अब इन सारे स्कोर्स को आपने मिला लेना है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मेरा स्कोर आता है 0 0, ठीक है, तो डजेंट मैटर, 1 + 1 मिला दूंगी तो मेरा 2 स्कोर। यहाँ पे आप देखें, अगर 0 रिस्क है तो रूटीन केयर जो है, रूटीन क्लिनिकल केयर होगी, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मीडियम रिस्क है तो आपने क्या करना है, 3 डेज तक आपने उसकी डाइट्री इनटेक देखनी है, अगर इम्प्रूव हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं हुई है तो फिर आपने उसको दोबारा से स्क्रीनिंग करानी है। अगर हायर देन 2 है तो फिर आपने उसको ट्रीट करना है, डाइटिशियन और न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी है प्रॉपर, और उसकी न्यूट्रिशन असेसमेंट लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आप मस्ट अप्लाई करते हैं हर जगह, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव स्क्रीनिंग टूल। अब हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे, वो आप कर चुके हुए हैं, उसको हम बेसिकली एक सिंपल ग्रोथ गो थ्रू देंगे, ठीक है, तो जिसमें आपकी एंथ्रोपोमेट्रिक आ जाती है, बायोकेमिकल और लेबॉरेटरी आ जाती है। बट दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन, अल्लाह हाफिज़।